गाजीपुर के दुल्हपुर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर इनामी गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि कुल चार शातिर तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष दुल्हपुर को सूचना मिली थी कि बुड़कुड़ा की तरफ से एक सफेद पिकअप तेज रफ्तार से जा रही है, जिस पर गौवंश जानवर लदे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने पिकअप को रोकने का प्रयास किया, तो पिकअप में सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। इसी के साथ पीछा करते हुए दो बाइक सवार बदमाश भी आकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षा के लिए पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाशों को गोली लग गई। पुलिस ने सभी बदमाशों को धर दबोचा। घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों के पास से चार तमंचा, 315 बोर, 4 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और 6 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। गोकशी की तस्करी की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। जैसा विदित है कि अभी कुछ दिन पहले भावरखोल में भी एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें गोकशी गोवंश मिले थे, उसमें भी गिरफ्तार हुए थे। अभी करीब एक हफ्ते पहले नक्सर में भी इनके द्वारा दुशास किया गया था, वहाँ पे भी पकड़े गए थे और उसमें मुकदमा भी लिखा गया था। आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर दुल्लापुर भी अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी ये पिकअप और मोटरसाइकिल संदिग्ध इन्हें नज़र आई। जब इसका पीछा किया तो इनके द्वारा बैरियर तोड़ के भागने का प्रयास किया गया और पुलिस के ऊपर प्राणघात हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी आत्मरक्षा में अपना गोलियां चलाई इनके चलते हुए वाहनों पर, जिसमें जो मोटरसाइकिल पर रैकी कर रहे थे, क्योंकि वो निकलवाते थे इन्हें ये देखते हुए कि आगे रास्ता साफ है या नहीं। इसमें अपने बचाव करते हुए पुलिस ने जो फायरिंग आत्मरक्षा में की थी, उसमें दो बदमाशों की गोली लगी।